Good morning, students. How are you today? Good. Well, we have started your chapter number 2. Okay, that is components of food, and we have covered few topics in my earlier video. Now, today what we will be learning? This part is remaining, the digestion of carbohydrate. Okay, carbohydrate का digestion अपने carbohydrate क्या हमने पिछले वाले video में अच्छे से समझ लिया है, कर लिया है. Only this part was remaining. So today we will be learning this thing. नाउ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जब हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हमने हमारी डाइट में हमारे फूड में लिया है, जब उसका डाइजेशन हो रहा होता है, तब क्या होता है? ड्यूरिंग द डाइजेशन व्हाट इज हैपनिंग, जितने भी उस फूड के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट, नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट में जो भी स्टार्च एंड शुगर है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसमें जितना भी स्टार्च एंड शुगर होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा या वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर. तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कब चेंज हो रहा है? इट इज चेंजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन में क्या हो रहा है? इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो भी डाइट के अंदर, जो भी फूड के अंदर आपके फूड में स्टार्च एंड शुगर है, वो किसमें चेंज हो रहा है? ग्लूकोज के अंदर चेंज हो रहा है. ये होना बहुत जरूरी भी है. क्यों? क्योंकि ओनली ग्लूकोज ही जो है वो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और हमारी बॉडी जो है वो इसको बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जब ये पूरा कार्बोहाइड्रेट चेंज हो रहा है सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज देन एब्जॉर्ब करी जा रही है ब्लड के थ्रू. हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, ये जो ग्लूकोज बनी है इसको वो एब्जॉर्ब करेगा. जब ग्लूकोज ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाती है, तब क्या होता है, ये जो ब्लड है ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर है वो क्या हो रहा है, पूरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो ग्लूकोज कहाँ जा रही है, टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. नाउ दिस इज व्हाट वॉज हैपनिंग इन डाइजेशन. ये डाइजेशन के अंदर जो भी हो रहा था वो ये है. नाउ द नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. जो ग्लूकोज है वो ब्लड की मदद से पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच चुकी है. अब जब रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है. ऑक्सीडाइज्ड हो रही मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है. और जब ये ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, तब ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, ये प्रोड्यूस कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना रही है वॉटर एंड एनर्जी, ठीक है. दिस इज द एनर्जी. ये वो एनर्जी है जो हमको काम करने के लिए चाहिए होती है, जो हमको वर्क करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेल वगैरह की रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट, डैमेज वगैरह सबको ठीक करने के लिए जो एनर्जी, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं एनर्जी एनर्जी, तो एक्चुअली में ये एनर्जी कैसे आ रही है हमने पूरा यहाँ पर समझा, ठीक है. ये कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो हम ब्रीद आउट कर देते हैं. हम ब्रीद आउट कर रहे हैं रेस्पिरेशन के दौरान, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो दिस इज दैट ऑक्सीजन, ठीक है. ये वाटर जो है ये भी गैसियस फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल जाता है. नाउ अगर हम इसकी इक्वेशन समझने की कोशिश करें, ठीक है, क्या है, तो ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो ये आ गया ग्लूकोज, ठीक है. ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ग्लूकोज हमारा रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो हमने यहां लिख दिया ऑक्सीजन. एंड ये क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पर, रेस्पिरेशन के दौरान ये चीजें हो रही है, ठीक है. यहाँ पर ये रेस्पिरेशन हो रहा है. जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं हमारे, हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ये वाटर वेपर के फॉर्म में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी आ सकता है, एज वेल एज ये लिक्विड फॉर्म में बॉडी के अंदर ही रह सकता है. एंड द लास्ट वन एंड द मेजर थिंग जो हो रही है, दैट इज द एनर्जी का प्रोडक्शन, विच इज वेरी नेसेसरी टू कैरी आउट ऑल द फंक्शन ऑफ आर बॉडी. ये तो अपने इक्वेशन समझ लिया. अगर हम इसे केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में देखें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए, ठीक है. 6 मॉलिक्यूल के साथ जब ये ग्लूकोज कंबाइन होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान, तो वो क्या बना रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड एनर्जी.
सो दिस कम्प्लीट्स योर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक पूरा कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे रिएक्शन भी समझ ली है कि डाइजेशन के दौरान कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी चाहिए, ये तो एनर्जी इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो है वो क्या है, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ फूड हमारा क्या है, फैट। तो हम इसके बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं, फैट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ फूड क्या है, फैट्स। फैट्स हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, क्या क्या सोर्सेज है, हमको कहाँ से मिल रहा है, हमारी बॉडी को फैट कहाँ से मिल रहा है। तो जो सोर्सेज है फैट्स के वो है एनिमल्स या फिर प्लांट्स। अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो जैसे कि उसका एग्जांपल क्या है, घी है, बटर है। ठीक है, एंड प्लांट सोर्सेज की बात करें तो ऑयल्स, जो भी ऑयल्स है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, पीनट ऑयल है, जो भी। ठीक है, दे आर द सोर्सेज ऑफ, दे आर द प्लांट सोर्सेज। तो फैट्स हमको एनिमल्स से भी मिल रहा है एंड हमको प्लांट से भी मिल रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स अच्छे से देख सकते हैं, एनिमल सोर्सेज एंड वेजिटेबल सोर्सेज जो कि फैट्स के हैं। नाउ अगर फैट्स का डाइजेशन हो रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था, अगर वैसे ही फैट्स का जब डाइजेशन होता है तो क्या हो रहा है, एनर्जी बन रही है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी एनर्जी रिलीज हो रही थी, फैट्स के डाइजेशन में भी एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन हम इस एनर्जी की क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को देते हैं। इसलिए जो एनर्जी है वो, जो फैट्स जो एनर्जी दे रहे हैं, इट इज मोर और ग्रेटर देन द एनर्जी गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एनर्जी ये बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं डाइजेशन होने पर एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। और इसी वजह से क्या कहा जा रहा है, इनको एनर्जी बैंक कहा जा रहा है। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट जो हम देखें फैट्स के बारे में, तो फैट्स क्या होते हैं, दे आर ग्रीजी। जब आप फैट को टच करोगे, आप बटर टच करिए, घी टच करिए, ऑयल टच करिए, आपके किचन में अवेलेबल है सारी चीजें, जब हम इनको टच करोगे अपने हैंड से तो व्हाट यू विल फाइंड, दे आर स्लिपरी इन नेचर, चिकने होते हैं। ठीक है, दैट इज ग्रीजी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। द नेक्स्ट इज हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस एनर्जी। अब फैट्स क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो भी फैट्स हैं, जब इनका डाइजेशन हो रहा है तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एनर्जी तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं हमारी बॉडी के फंक्शन कैरी आउट करने के लिए। लेकिन अगर हम बहुत फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी बहुत सारी बन रही होगी। ये जो एक्सेस एनर्जी जो बन रही है हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये क्या होती है, स्टोर होने लग जाती है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी जब स्टोर होने लग जाती है तो ये एज अ फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाती है। इसीलिए जो फैट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंक ऑफ आवर बॉडी। ये जब भी हमारी बॉडी को क्या होता है कि रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो वो क्या करती है, ये जो फैट्स हैं ये फिर एनर्जी कन्वर्ट करने का काम हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। जब भी एक्सेस एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी फैट्स के अंदर। जब वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जब ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब क्या होता है, जो बॉडी फैट होता है वो फिर किसमें कन्वर्ट होता है, एनर्जी के अंदर। ठीक है, वापस से टाइम टू टाइम वो एनर्जी दे देता है, इसीलिए फैट्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी बैंक। नाउ वही बात हो गई, जितना एक्सेस फैट है वो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर। अब जो ये फैट डिपॉजिट हो रहा है ना हमारी बॉडी के अंदर, अगर ये फैट मान लीजिए स्मॉल क्वांटिटी में है, स्मॉल क्वांटिटी में फैट का डिपॉजिट होना अच्छा माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्वेश्चन दे रहा होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होता है, इट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी। मान लीजिए कोई चोट लगी करी तो ये उस अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन है ना उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो इट्स गिव्स अ क्वेश्चन, उसको एक बाहर से कवरिंग दे रहा है, उस ऑर्गन को बाहर से कवरिंग दे रहा है, तो अल्टीमेटली इट गिव्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। लेकिन अगर बॉडी में टू मच ऑफ फैट स्टार्ट होना, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उससे क्या हो जाती है, ओबेसिटी। ओबेसिटी इज अ डिजीज, मोटापा जो है वो एक तरीके की बीमारी है, तो हमको हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा फैट स्टोर नहीं करना चाहिए। ठीक है,
ओबेसिटी से हमको कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो यहाँ पे आप इस पिक्चर में अच्छे से देख सकते हैं। वेल चिल्ड्रन, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं फैट को फॉर लेटर यूज, मीन बाद में काम में लेने के लिए अपनी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल है, कैमल है, पोलर भी है। कैमल क्या करता है, जब रेगिस्तान में जा रहा होता है तो उससे पहले वो क्या करता है, खूब सारी जो फैट है वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता है। आपने कैमल का हम्प देखा होगा, ऐसे कैमल के बॉडी के ऊपर इस तरीके से हम्प निकला हुआ रहता है। वो क्या होता है, उसके अंदर होता क्या, उसके अंदर बेसिकली फैट स्टोर किया हुआ था। जैसे जैसे वो रहता है रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर, जब बहुत दिन गुजारने के बाद वो वापस जब लौटता है तो ये जो हम्प है जो ये कम हो जाती है, ठीक है, ये फैट वो यूटिलाइज कर लेता है। पोलर बियर आपने देखे ही होंगे, विंटर के दौरान जब ये हाइबरनेशन में जाते हैं, जब ये सोते हैं करते हैं, ठीक है, उस दौरान क्या होता है, ये जब ये नींदों में होते हैं तो ये जो फैट इनकी बॉडी ने स्टोर कर रखा होता है उसी से क्या हो रहा था, इनके सारे बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस कैरी ऑन हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स फैट को स्टोर करके रखते हैं। नाउ फैट गिव्स फ्लेवर एंड टेस्ट टू आवर फूड। फैट्स हमारे खाने में टेस्ट ऐड करता है, ठीक है, स्मेल ऐड करता है। आप लोग चपाती प्लेन खा के देखिए एंड देन घी अप्लाई करी हुई चपाती खा के देखिए, आपको बड़ी बहुत टेस्टी ना लगेगी वो दाल के अंदर हम जब घी वगैरह डालते हैं और देन वी ईट दैट, तो उसका जो टेस्ट है वो इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये खुशबू भी आती है उसमें से, तो ये खुशबू और टेस्ट दोनों को इन्हांस करता है। नाउ फैट्स आर असेंशियल, जरूरी भी है फैट्स हमारी बॉडी के लिए। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो वाइटामिन्स है जैसे कि ए है, डी है, ई है, एंड के है, ये जो वाइटामिन्स है इनके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फैट्स होंगे तो ही इनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा। स्टूडेंट्स, फैट्स को हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बेसिस पे भी क्लासीफाई करते हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो यूजली हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं और जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमको प्लांट से मिलते हैं। तो आई होप आपको फैट टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, इन सबको अच्छे से रिवाइज करना है। उसके अलावा आपकी सोशल ड्यूटी क्या बनती है, आपको घर में रहना है, ठीक है, बाहर नहीं निकलना है, हाथों को रेगुलरली सोप से वॉश करते रहना है 20 सेकंड्स के लिए, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, ठीक है, अच्छा हेल्दी खाना खाना है, खूब सारा पानी पीना है और अपने हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैं ये जानती हूँ कि आप ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है, थैंक यू।